हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह। और डेयरी फार्मिंग जब हम करते हैं तो सबसे बड़ी एक समस्या होती है हरे चारे की, कि हरा चारा पशुओं के लिए हमको नहीं मिल पाता है। तो उस समस्या को ख़त्म करने के लिए आजकल बहुत सारे उपाय लोगों ने निकाल लिए हैं कि आपको हर साल हर बार हरा चारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार नेपियर लगा सकते हैं, जिसको सुपियर नेपियर भी कहा जाता है, वो आप लगा सकते हैं। और पशुओं के लिए आप लगभग 5 साल तक हरा चारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जी। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो अपने खेत में इसको लगा सकते हैं। क्या कुछ इसकी जानकारी है, हम इनका इंट्रोडक्शन लेंगे जिन्होंने इसको लगा रखा है। हेलो सर। हाँ जी। तो आप हमें इस हरे चारे के बारे में बताएं कि आपने कब लगाया था। ये पिछले सर्दी में लगाया था मैंने। और सर्दी में तो बिल्कुल थोड़ा कम चलता है जी, पर गर्मी में अपन को 2 से 3 कटाव दे देता है, और बारिश में भी आप इसको काट सकते हैं। सबसे मेन समस्या होती है कि जैसे अभी इसका बरसीम जैसे खत्म होता है, तो जून के टाइम में बिल्कुल ही हरा नहीं मिलता पशु को जी। जून और जुलाई में बारिश, जैसे जून में एंड में बारिश होती है, तो बारिश होते ही हरा चारा तो नहीं होता है। तो जुलाई में हरा आता है। 2 महीने के बीच में गर्मी में आपको हरा चारे की समस्या से निजात पाने के लिए आप सुपर नेपियर लगा सकते हैं, जिससे कि आपको 12 ही महीने हरा चारा मिलता है। जिसके बाद अपन दीपावली के लगभग, तो उस टाइम उससे पहले भी अपना हरा चारा खत्म हो जाता है जी। बारिश वाला जो चारा है, ज्वार वगैरह जो भी अपन लगाते हैं, वो भी खत्म हो जाता है। तो उस बीच भी आप इसका एक कटाव ले सकते हैं। तो ऐसे बीच बीच करके अपन 2-3 कटाव अगर अपन लेते हैं, तो उसमें अपना जो है चारा, हरा चारा पूरे ही साल कंटिन्यू चालू रहता है जी। अगर अपन पूरे ही कंटिन्यू हरा चारा खिलाएंगे पशु को, तो पशु को हेल्थी रहेगा, बीमार कम होगा, और दूध प्रोडक्शन आपका कम नहीं होगा। कंटिन्यू हरा चारा मिलेगा तो दूध प्रोडक्शन भी आपको पूरा पूरा मिलेगा जी। और दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि हम बात करते हैं कि हरे चारे के बिना डेयरी फार्म कैसे करें, तो वो तो ये हो जाती है, जबरदस्ती हो जाता है काम, कि भाई आप डेयरी फार्म कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। बहुत लोग द्वारा बताया जाता है कि हरे चारे के बिना आप डेयरी फार्म कर सकते हो, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है हरे चारे के बिना आप डेयरी फार्म कर ही नहीं सकते। भी होती है, फिर भी कहीं से भी एडजस्टमेंट करके भी अपन मतलब 12 ही महीना हरा ही खिला। हम भूसा तो बिल्कुल नाम से नहीं खिलाते, जो सूखला होता है, तूड़ी होती है ना, तूड़ी तो हम खिलाते ही नहीं पशु। ये देखिए, और इनके पशु आपने भी देखे कितने ज्यादा पशु आपको हेल्दी देखने को मिलेंगे, शायद ही आपको ऐसे पशु कहीं भी आपने देखे होंगे। तो उसका यही कारण है कि यहाँ पर हरा चारा इनको भर पेट यहाँ पर दिया जाता है। सूखे में तो इनको जो मेड़ का जो चारा होता है, फूला जिसे बोलते हैं, मेड़ का खास वो अच्छी क्वालिटी का वो जरूर देते हैं सूखे में। बाकी जो चूड़ी या सूखला जो बोलते हैं अपन, वो सूखला बिल्कुल नहीं खिलाते। वो तो इतना है कि जो कुट्टी बनाते हैं चाक कटर में, उसमें मिला देते हैं, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल कम मात्रा में, बिल्कुल हल्का सा, तो पशु को खाने में आराम रहे इस वजह से। वरना सूखला खिलाने का तो हम कोई यही नहीं, इरादा ही नहीं रखते जी। जी। हरा 12 ही महीना हरा खिलाते हैं, 12 महीना इनको हरा चारा खिलाया जाता है। तो अगर हम बात करें आपकी डेयरी में कितने पशु होंगे टोटल। अभी तो सर जी छोटे बड़े करके 50-55 पशु है, क्योंकि इस साल जो है बहुत ज्यादा सेल भी कर दिए, और ज्यादा पशु हो गए तो लिमिट में भी करना जरूरी होता है जी। जी। और इस बार ज्यादा पाड़े ज्यादा थे, तो पाड़े के अपन ने उस टाइम ही बेच दिए थे, लगभग जो दूध पी रहे थे तभी बेच दिए थे, तो गए तो अभी है उस वजह से। और अभी मेरे पास 25 से 26 भैंसे प्रेग्नेंट है जी। तो जुलाई में इनका जो अभी चालू हो गया 1-2 रुपया अभी की जी, पर जुलाई में इसका सीजन होता है, और जुलाई में पशु ब्याह चालू होगी, तो फिर अपने के पास अगर 25-26 ब्याह हैं तो 25 पशु फिर बढ़े जी। जी, तो वो सिस्टम चलता रहता है। तो जैसा कि आपने बताया आपके पास लगभग 50-60 पशु हैं, तो आपने कितनी जगह में हरा चारा लगा रखा होगा। सर जी, ये अभी तो माइक्रो की लगवा रहे 3-4 बीघे में, वो है 2-3 बीघे में, 2 बीघे में नेपियर हो गया, अभी ऊपर 8 बीघे का रस्ता बरसीम था, तो अपना क्या 15-16 बीघा का वो 8 बीघे का है, 8 बीघे का जैसे वो ज्वार जो है वो खत्म होगी, फिर अपन दूसरी अभी बारिश वाली ज्वार लगा देंगे, फिर रज का बरसीम लगा देंगे। तो क्या है वो कि एक मेंटेनेंस चलाना पड़ता है इसका, लगभग इतना सारा आपने लगा रखा है। लेकिन अगर कोई बंदा कम पशु से रखता है, जैसे मान लो कि 5 पशु हैं या फिर 8 पशु उसने रखे हुए हैं, तो लगभग 1-2 बीघा से उसका काम चल जाएगा। अगर आप नेपियर लगा रहे हो तो आधा बीघा से भी चल सकता है। नेपियर में तो ऐसा है कि आप जो इतनी सी बड़ी जो पुली होती ना, वो नहीं उठा सकते हो,
क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वजन होता है और बहुत ज्यादा वो होता है, पशु आराम से अपना पेट थोड़ी देर में भर लेता है। दूसरी चीज ये होती है कि हमारे पशु हेल्थी होने का मेन कारण ये है कि हम 12 महीना उनको जो है बांटा, दलिया, खल, बिनोली खल 12 महीने कंटिन्यू चालू रखते हैं, चाहे ड्राई पेड में हो, प्रेग्नेंट हो, चाहे दूध देता पशु हो, तो ये कंटिन्यू अगर उनको बांटा मिलता रहेगा तो पशु आपका हेल्थी रहेगा और दूध प्रोडक्शन हर ब्यास में उसका बढ़ता जाएगा, ना कि कम होगा। अगर किसान भाई क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं, पशु ब्याने के 10 दिन बाद बांटा चालू करते हैं। तो अगर उसको बांटा ही 10 दिन बाद मिलेगा तो कब उसकी एनर्जी पूरी होगी, फिर धीरे धीरे वो उसका कैल्शियम की पूर्ति पूरी करेगा, पशु कब दूध पर बढ़ेगा, दूध बन ही नहीं पाता कुल मिला, मतलब कुल मिला के दूध जो बनने की क्षमता होती है वो तो कहाँ से बनेगी। पशु को मेरे हिसाब से भले आप 10 मत रखो, 2 रखो, पर उनको कंटिन्यू 12 महीना बांटा जरूर देना चाहिए, क्योंकि दूध देते टाइम तो उसको हर चीज की जरूरत होती है। पर अगर प्रेग्नेंट है तभी तो उसको जरूरत रहेगी बच्चा। पर आप सबसे बढ़िया एक चीज होती है कि ब्रीडिंग का पशु ही रखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी चीज है कि बहुत सारे पशु भाइयों के कमेंट मेरे पास भी आते हैं, संदीप भैया के पास भी आते हैं, तो कि जैसे गैबिन नहीं होती है, पेशेंट गैबिन नहीं होने का मेन कारण है आप डिवर्मिंग नहीं कराते उसकी। मैंने कई भैंसों को डिवर्मिंग के कैप्सूल देके तीसरे दिन में हिट में लाया, मैं कई भैंसों को, लोगों की भैंसें हिट में नहीं आती थी तो कि हमारी हिट में नहीं आ रही, तो उनको मैं कहता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ और डिवर्मिंग की कैप्सूल लाओ, तो कई सारी भैंसें ऐसे तीन तीन दिन में हिट पे आई। ये देखिए आप, ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो कि किसानों को बहुत ज्यादा पीछे धकेल देती है। अपने यहाँ के सभी किसान भाई समझते ही नहीं है कि मिनरल मिक्सर क्या होता है। जरूरी है आपके पशु को आप चारे में या बांटे में मिला के मिनरल मिक्सर जरूर खिलाना चाहिए, पशु को ब्याने के बाद कैल्शियम कंटिन्यू चालू रखना चाहिए, ऐसी चीजों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि पशुओं को आपको क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं, और कैसे आप उनकी हेल्थ अच्छी बना सकते हैं हेल्थ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपने नेपेयर लगा रखा है तो उसका आपने जो कैसे लगाया, बीज कहाँ से आप लेके आए मेनली, वो आप हमें बताएं। ये बीज तो अपने देशों में पाटीदार जी हैं, वो गुजरात जाके लाए थे जी, और उनने लगाया और उनके यहाँ मैंने देखा, मुझे पसंद आया तो मैं वहाँ से नीचे के जो डंठल मूल जो होता है ना, ये जमीन से ऊपर वाला डंठल, इसको लाके और मैंने लगवाया। ये सुपर नेपियर है और बिना रुई वाला है, इसके जो बहुत सारे भाइयों ने अपने इलाके में लगा रखे हैं वो नेपियर बोलते हैं, पर उसके रुई होते हैं जो आदमी काट नहीं पाता है और बड़ी परेशानी आती है। ये ऐसा है, ये देखिए, ये रुई नहीं है, ऐसे ये जो डंठल है बिल्कुल हरा रहता है, और इसका जो है भले आप 15 फीट 18 फीट भी हाइट ले लो, 12 फीट भी ले लो, तो ये इसका जो डंठल बड़ा नहीं होता है बिल्कुल, ये मान के चलो आप बिल्कुल पतला ही रहता है। ये देखिए आप, ये ऐसे यहाँ पर जो ये छोटे छोटे ये टुकड़े होते हैं इनको धरती में लगाया जाता है, और कितने दूरी पर आप इसको लगा सकते हैं डंठल? आराम से 1 से 1.5 फीट पर लगा सकते हो, जैसे अपना जो ट्रैक्टर का जो मेड पाली बनाते हैं उसमें 3 भाग में लगा दो, एक तो पाली के पास लगा दो, एक बीच में लगा दो, एक फिर पाली के ऊपर लगा दो। बीच में आप दूरी रखोगे तो आपको जो है इसको काटने में आसानी रहेगी, आपके पैर में नहीं चुभेंगे, और बाद में तो आप कितने भी दूर लगाओ तो ये तो एक लगाओगे वहां से 10 निकलेंगे, 10 के 100 होंगे, तो ये तो आपको मतलब, फिर अगर आपने लगा लिया तो आप किसी और को भी इसको सेल कर सकते हो, यानी कि ऐसा नहीं, मैंने तो सबको फ्री दिया इस बार, मैंने जो बीज बनाया था तो लगभग अभी गर्मी में लगाए सब लोगों ने, तो कम से कम 50 आदमी तो इस साल ही लगे मेरे से। अच्छा। और ये आप देख रहे हो ये मैंने लगाया अभी जी, देखो। अभी हाँ ये 15 दिन पहले गई है, मतलब लगाया 1 महीने हो गया, पर 20 दिन 10 दिन तो ये जमीन में से बाहर निकलता रहता है, बाकी ये जो भी खड़ा है ये जमीन में बाहर निकलने के बाद 15 दिन। ये देखिए 15 से 20 दिन में इतनी कुछ इसकी ग्रोथ होती है कि आप मान नहीं सकते एक तरीके से, और कोई भी हरा चारा इसके बराबर उत्पादन नहीं देता है ना? नहीं, इसके बराबर कोई नहीं। इससे दो चीज का फायदा, इससे एक तो दूध प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता है और पशु हेल्थी बहुत होता है। ये देखिए मैंने अभी जो गर्मी में खिलाया उससे मेरे पशु का जो हेल्थी भी हुए और दूध प्रोडक्शन जो जुलाई के बाद जो आता है वही गर्मी में वही दूध प्रोडक्शन मेरे पशु पर, मतलब दूध गर्मी में नहीं छूटता, इससे दूध बहुत ज्यादा। ये तो गर्मी में खिलाया, अब आगे खिलाएंगे आगे तो और ज्यादा बढ़ेगा, इससे अच्छी खासी प्रोटीन की मात्रा इसमें होती है जिससे कि आपका पशु बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।